भाई अपनी सुप्रीमेसी जा रही है अंगोछे की, प्रोटोकॉल है भैया यूपी वालों का। तो मस्त अभी जो है कि चलते हैं होटल में चेक इन करेंगे और फिर जो है कि आज रेस्ट करने के बाद अच्छे से व्लॉग जो है कि अपलोड करेंगे, आप लोग देखिएगा मस्त। तो अब पहाड़ियों का मजा लीजिए। तो पापा और हम लोगों ने ऑटो कर लिया है, वो सामान लेके आगे चले गए हैं पापा लोग, हम मम्मी पीछे आ रहे हैं। तो पीछे आप देख सकते हैं पूरा टैक्सी स्टैंड है, प्राइवेट बस स्टैंड है। यहाँ टैक्सी स्टैंड भी, हम लोग को चलना है ऊपर, दिखाते हैं हम लोगों को चलना है ऊपर वाली पहाड़ी पे, अभी 2 किलोमीटर ऊपर मॉल रोड के लिए, फिर वहीं पे होटल लेंगे अपना। तो ये वाली स्विफ्ट अपनी है, रख लिया भैया। आप तीनों बैठो, पीछे बैठ जाओ। फाइनली अपनी कैब में बैठ चुके हैं और चल रहे हैं मॉल रोड की ओर, और मॉल रोड पे अपना होटल देखेंगे। भैया जो है कि हम लोगों को पूरा सामान वामान लेकर के बढ़िया से, अभी मॉल रोड पे 2-3 होटल हैं इनके कुछ जान परिचित के, तो वहीं पे होटल दिखाएंगे फिर वहीं पे हम लोग रहेंगे। क्या नाम है भैया अपना? अजय। नाम क्या है आपका? अजय। अजय, तो अजय नाम है भैया का। तो भैया अभी हम लोग को मॉल रोड पे होटल दिखा दीजिएगा आप, और बजट का जो होटल हो वो दिखाइएगा। नॉर्मल 2-3 जगह हैं उसमें, काफ़ी 2-3 प्रॉपर्टी है लग्जरी में भी है, तो वो सब देख लेंगे, जो अच्छा लगेगा सेट होगा फिर वहीं पे अपना करेंगे। व्यू देखो आप गाइस, अलग ही नेक्स्ट लेवल का है, मज़ेदार। यहाँ बारिश तो नहीं हो रही है ना भैया इस टाइम पे? नहीं इस टाइम नहीं हो रही है, बड़ी हुई है बहुत ज़्यादा ऊपर। अभी रोहतांग पास वगैरह में देखा था कि हुई थी बीच में, तो भैया बता रहे हैं रोहतांग पास वगैरह में इस टाइम बारिश नहीं हो रही है, बहुत अच्छा। ऊपर रोहतांग पास वगैरह खुला है ना इस टाइम पे? हाँ, तो इस टाइम बढ़िया खुला भी है तो बढ़िया घूम भी लेंगे। और भैया कह रहे हैं आगे के लिए टैक्सी वगैरह जो रोहतांग पास वगैरह के लिए चाहिए हो, जहाँ होटल लोगे वो खाने पीने सब चीज़ की व्यवस्था कर देंगे, तो भैया ही अपने को होटल दिलाएंगे। मम्मी तो आएंगे, तो बैठे हैं मम्मी पापा। कहाँ से पापा? मॉल रोड बस स्टैंड से कितनी दूर पे? कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर। 1-2 किलोमीटर ऊपर साइड चढ़ के मॉल रोड है प्राइवेट बस स्टैंड से। यहाँ पे लोग ट्रैक भी करते हैं, मस्त ट्रैकिंग करने के लिए बढ़िया है। जो बाय की स्कूटी खड़ी देख रहे हैं आप लोग, ये रहती है रेंट पे अवेलेबल, आप लेके ट्रेवल भी कर सकते हैं जो लोग आए यहाँ पे। इनका चार्जेस आप पता कर लीजिएगा, सीजन वाइज बढ़ता घटता रहता। ये बड़े पतली रोड है मेन मॉल रोड के, मॉल रोड तो थोड़ा इस तरफ है ना। तो ये है अपनी कैब और ये है अपना होटल। अभी धूप काफ़ी ज़्यादा हो गई है, हम उस टाइम रिकॉर्ड करने जा रहे थे, अभी धूप काफ़ी ज़्यादा है। अपना होटल ये वाला है होटल महाजन, तो इसी में पूरा पैकेज ले लिया हम लोगों ने। पर होटल में हम लोग ने चेक इन कर लिया, अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ चेकआउट होने में आधा घंटा लगेगा लगभग। तो अपना ये देख रहे हैं पीछे कितना अच्छा व्यू आ रहा है, सन शाइन रेज एकदम पड़ रही हैं और एकदम सुबह का टाइम है, ठंडा और हल्का थोड़ा धूप लग रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग चलते हैं होटल में अपना। यहाँ पर हम लोग ने पूरा पैकेज ले लिया है, 15,000 का पूरा हुआ है, अभी आपको पूरा समझाएंगे। अब अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, कॉफ़ी वगैरह पी करके अभी रूम पे चलेंगे अपना। और ये थोड़ा सा, ये जो हम लोगों का होटल है ये मॉल रोड से थोड़ा सा, मेन मॉल रोड पे नहीं है, आउटर साइड पे है, ज़रा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे, आराम से कोई इशू नहीं है, हो जाएगा। तो अभी जो है कि हम लोग वेट कर रहे हैं अपना, होटल में चेक इन हो गया है, लेकिन अभी जो भी पैकेज लिए हुए हैं बंदे वो 8:30-9 तक यहाँ से निकलेंगे, तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा तब तक। अभी देखो टाइम कितना हो रखा है, 8 बज गया, थोड़ा 30-35 मिनट वेट करना है। ऊपर टेरेस पे इनका रेस्टोरेंट बना हुआ है भैया, तो वहीं पर कॉफ़ी वगैरह भी चल के पीते हैं।
तो यार अभी वेटिंग कर रहे थे तो हमने कहा तब तक आओ थोड़ी सी एक क्लिप बना लेते हैं तो ट्रैक करने के लिए। ये जो है कि बढ़िया जो है कि है मनाली, अभी जो वॉकिंग डिस्टेंस पे जैसे हडिम्बा देवी टेम्पल और क्लब हाउस वगैरह है और मॉल रोड है तो वो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो वहाँ पे हम लोग ट्रैक करते हुए शाम को चलेंगे। अभी तो रेस्ट करेंगे। तो अपनी प्रॉपर्टी देखो पीछे, वो है पीछे वाली उधर पे, वो वाली प्रॉपर्टी है अपनी, वहाँ पे पूरा पैकेज ले लिया है यार। ये जो है कि पूरा जो है कि पीक सीज़न है, यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं जून के, तो बहुत ही ज़्यादा महंगा चल रहा है और बहुत रेट है। हम लोग को तो वही टैक्सी वाला पकड़ के लाया, तो समझ रहे हो कमीशन वमीशन सब अपना कट ही रहता है चाहे जितना होता। पीछे यहाँ गाड़ी आ रही थी वो काल काटते हुए, तो हम थोड़ा साइड हो गए। तो मस्त ट्रैकिंग के लिए भी, हालांकि अभी बहुत थके हैं, अभी वेट करेंगे। टेरेस बना हुआ है वहाँ पे, तो टेरेस पे जो है कि मस्त रेस्टोरेंट टाइप उनका है, तो वहीं पे अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे यार। गाइस अपना रूम नंबर 102, तो हम लोग को फाइनली रूम मिल गया है और टाइम हो गया है 8:30, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो आपको रूम दिखाते हैं, ये 4 बेड वाला है, एक यहाँ पे और एक जो है कि अंदर चल के ये टीवी है, एक ये अंदर चल के बना हुआ है। यहाँ पे अभी काफ़ी गीला है क्योंकि ये कंबाइंड बाथरूम यहाँ पे है, तो पहले जो लोग थे उन्होंने गीला कर दिया, मैट डलवाने के लिए बोला। ये भी कुछ है पर ये बंद है। तो ये देखिए, ये बैठे हैं मम्मी लोग, ये चेयर पड़ी है, टेबल पड़ी है नाश्ता वगैरह करने के लिए, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और बफर सिस्टम ऊपर भी है और यहाँ पे भी आपको सर्विस प्रोवाइड करा देंगे। तो यही है अपना रूम, ये कवर्ड बने हुए हैं, कवर्ड है। और बाकी यार ठंडा तो इतना है, ये मैट यहाँ पे इन्होंने बिछा रखा है तब भी बहुत ज़्यादा ठंडा आ रहा है। अब तो मन कर रहा है नहाए भी ना, बहुत ठंडी लग रही है। आपको एक चीज़ दिखाते हैं, यहाँ पे विंडो तो अवेलेबल है बट ये ग्राउंड फ्लोर का रूम है क्योंकि हम लोग को फैमिली पर्पज़ चाहिए था, ऊपर का नहीं मिला। तो व्यू देखो, व्यू आपको दिख ही नहीं रहा होगा, व्यू हमें भी नहीं दिख रहा है क्योंकि आपको जो बगल वाली प्रॉपर्टी है उनको बिल्कुल व्यू अच्छा आ रहा होगा। देखो ऊपर पहाड़ है, यहाँ से थोड़ा कम व्यू मिल पा रहा है। चलिए कोई नहीं, अब थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो अब करते हैं रेस्ट और आज से ही अपना मनाली का टूर चालू होगा। तो अभी दोपहर तक रेस्ट करेंगे, फिर मॉल रोड घूमते हुए बाकी जगह, कल से जो है कि मेन स्नो पॉइंट चलेंगे। फिर आज अभी पूरा थके हुए हैं बस में यार, कल रात में वॉमिटिंग ऐसा फील हो रहा था क्योंकि 2 दिन से लगातार सोए नहीं है। तो अब सोएंगे और मस्त अपनी थकावट दूर करेंगे। अभी भी ऐसा लग रहा है बस यूं चल रही है, कल तो हम बच गए, हमें लग रहा था मेरी वॉमिटिंग हो जाएगी फर्स्ट टाइम, लेकिन नहीं, कंट्रोल कर लिया भाई ने, भाई कर लेगा। तो चलिए मिलते हैं अभी आगे। तो भाइयों नहा धुल करके हो गए रेडी, ऊपर बफर सिस्टम है ब्रेकफास्ट के लिए, तो वहीं चलना है नाश्ता करने के लिए सब लोग। तो अभी चलते हैं, ऊपर का व्यू भी दिखाते हैं, बहुत एक नंबर आ रहा है, मजा आ जाएगी। तो मस्त रेडी हो गए, चलते हैं, आओ यार। नहीं मेरे साथ एक अभी त्रेजडी हो गई, बोले तो हम नहा रहे थे, आधे में गीजर हो गया बंद और इतना ठंडा चिल्ड पानी एकदम, ऐसा लग रहा था माइनस लेकिन ये है कि आपके भाई ने ठंडे से नहाया, धूप देगा ऊपर चल के और नाश्ता करेगा वहीं बढ़िया, गर्म हो जाएंगे, अभी बहुत ठंडे हो गए और थकावट भी चेहरे पे आप देख ही रहे हो। अभी तो नहाएंगे, अभी मस्त सोएंगे, तो नाश्ता करने के बाद फिर चलेंगे आगे के टूर करने। तो ये है भाइयों यहाँ का टेरेस, मम्मी पापा सानिया ऊपर चढ़ते चढ़ते थक गए, तो आओ क्योंकि यहाँ धूप है। ये देखो यहाँ पे मस्त धूप है, व्यू देखो आप कितना तगड़ा आ रहा है। वो देखो रोहतांग पास वाली बर्फ, वाइट वाइट देखो, व्यू देखो सागर रिजॉर्ट, सब रिजॉर्ट और होटल ही बने हुए हैं। मम्मी पापा यहीं बैठ गए, यहीं पे मस्त लेकर के खाएंगे। तो भाई ऊपर है बफर सिस्टम, वहाँ पे जो है कि लगा हुआ नाश्ता, और यहाँ पे देखिए टेबल चेयर पड़ी है, हम लोग धूप में साइड में यहीं बैठ कर खाएंगे। और पीछे का व्यू देखिए कितना गजब का आ रहा है यहाँ। तो साथियों हम लोगों ने नाश्ता ले लिया, तो नाश्ते में लिया है मस्त, मम्मी ने छोला भटूरा, हमने लिया है पोहा, तो हम बस पोहे से काम चला लेंगे। और हम लोग ने सीट चेंज कर दी है क्योंकि वहाँ से इधर वाली से व्यू नहीं मिल रहा था, और पीछे वाली से व्यू अच्छा मिल रहा है, वहाँ बैठ करके पीछे बस दिख भी रहा है। आपको दिखाते हैं यहाँ का बफर सिस्टम कैसा है। तो ये देखो यहाँ टिश्यू पेपर, अचार, कॉफ़ी,
चाय भी है यहाँ। ये भैया भटूरे ले आए, भटूरा आज नाश्ते में छोला भटूरा, इधर पे पोहा है, और इधर जो है कि ख़त्म हो चुका है, और इधर है मस्त सैंडविच, इधर भी कुछ है क्या, इधर भी खाली है। तो ये अपना बफर सिस्टम, अभी खाते हैं थोड़ी देर और रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, यहाँ जिम की भी व्यवस्था है, तो सुबह मॉर्निंग में जिम भी कर सकते हैं लोग। डंबल लोड बना के रखा है, सस्ता जुगाड़ सीमेंटेड वाला। पेड़ तो एक नंबर है यार, बहुत अच्छा लग रहा है पेड़। उधर भी देखिए कोई लॉज होटल वगैरह बना हुआ। इसी रोड से हम लोगों की एंट्री हुई थी, ये मेन वाली, वहाँ पे हमने खड़े होकर रिकॉर्ड करी थी चीज़ें। और इधर से आगे के लिए रोड गई है ऊपर जाने के लिए, इधर की। बाकी व्यू आप लेते रहिए मस्त। इतना देख लिया आप लोगों ने, इतना दिखा दिया, अब थोड़ा नाश्ता भी कर लेते हैं, पेट पूजा, और फिर नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा सो भी जाएंगे, और फिर चलेंगे मॉल रोड और थोड़ा बहुत घूमेंगे, और कल से मेन अपना ट्रिप चालू होगा। तो कल से मस्त ब्लॉग जो है कि सीनिक व्यू तो आपको मिल ही जाए। अभी अपलोड करेंगे, थोड़ा लेट अपलोड होंगे वीडियो, क्योंकि यहाँ पर वाईफाई की इशू है और हमें एडिटिंग करने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, काफ़ी थक गए। व्यू देखो, एक नंबर व्यू आ रहा है ना।